में। सो मोदी जी का सिंपल एक सिद्धांत है, दो कुछ नहीं कहो खूब जाओ। ढपोल संख वाली एक कहानी जो मैं बार बार कहता हूं, ढपोल संख है कि तुझे 100 सोने में 200 दूंगा, मिलेगा कुछ नहीं। 2000 जो के 10000 दूंगा, चिंता नहीं। 1,00,000 जो के 2,00,000 दूंगा, मिलेगा कुछ नहीं। कहने में क्या जाता है, जो कहना है उसके उलट करना है। यही मोदी की ब्रांडिंग है कि जो कहो उसके उलट करो। जिस चीज का इस व्यक्ति ने विरोध किया उसी चीज को इसने किया। ये मोदी की एक हकीकत है कि जिस चीज को आप समझ लीजिए कि वो मना कर रहा है कि ये नहीं करना, समझ लीजिए उसे जरूर करेगा। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार दुनिया के शायद सबसे झूठे व्यक्ति होंगे और दुनिया में सबसे ही ऐसे व्यक्ति होंगे जो गरीब मजबूर जनता किसानों के दर्द पर जले पर नमक छिड़कते हैं, घावों पर नमक छिड़कते हैं। सबसे पहले जो नोटबंदी की उसमें लोगों को मार दिया। नोटबंदी में 200 के लगभग लोगों की मौत हुई, और मैं तो मौत नहीं उसे हत्या कहूंगा, और उन हत्याओं के जो नोटबंदी के दौरान हुई और आज जो इस लॉकडाउन के दौरान जो ये हो रही है कोरोना के, उसमें जो मजदूरों की हत्या हो रही है, चाहे वो औरैया में हुई हो, चाहे वो औरंगाबाद में हुई हो, और चाहे वो चित्रकूट में हुई हो, चाहे मुजफ्फरनगर में हुई हो, कहीं भी जो ये जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, इन सबके लिए अगर एकमात्र कोई जिम्मेदार है तो वो माननीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री भारत सरकार वो हैं, और कोई इन हत्याओं के लिए, ये मौत नहीं है, ये हत्याएं हैं, इनके लिए ये जिम्मेदार है, इनकी नीतियां जिम्मेदार है, इनकी कार्यप्रणाली जिम्मेदार है। बाकी हकीकत में कुछ नहीं है। 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, स्मार्ट सिटी नहीं बने, और आपको 15 लाख रुपए नहीं मिले, विदेशों से काला धन वापस नहीं आया, ठीक है ना जी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, काला धन कभी बाहर नहीं आया, अभी जो इसकी बात है जीएसटी में बर्बाद हो गया सब मामला, और रहा सहा ये लॉकडाउन में हो गया। जिन किसानों को या मजदूरों को या लोगों को, गरीब लोगों को खाना देने की बात है, किसी तक पूछा नहीं, तो कहां है। हां, उनका प्रचार है, मीडिया है, दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो जो चाहे भौंपू की तरह गाता रहे, उनकी बात कहता रहे, उसकी मैं बात नहीं करता। हकीकत यह है कि किसी को कुछ नहीं मिला, सिर्फ प्रचार है। तो पहले लोकल की वोकल की बात है, तो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में जो गाड़ियां हैं और जो अमले वगैरह सारा सब कुछ लगा हुआ है, जो उनकी सुरक्षा में जो लोग हैं, जो हथियार लेके चलते हैं, वो सब के सब सारे के सारे यही इंडिया के बने हुए होने चाहिए। सब कुछ, सारी जो गाड़ियां हैं, जो भी कुछ चीज है, वो सब जो वो यही होनी चाहिए। जो वो फोन यूज कर रहे हैं वो सारे इंडिया के बने होने चाहिए। बाकी जितनी भी चीजें हैं, तो पहले आप करो ना, अगर लोकल की बात है तो चाइना से जितना माल आ रहा है उसको लाना बंद करो ना, उसको जो परमिशन दे रखी आपने बंद करो ना। अगर लोकल से वोकल की बात है तो जो उनकी स्टेच्यू बनवाई सरदार पटेल की, वो भी चाइना के लोग आके बना के गए 3,500 करोड़ में। सो मैंने बताया ना कि सिर्फ कहना है, कहो बड़ी बड़ी बातें, बढ़िया बढ़िया बातें, लेकिन करना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। जी, जो कहना है उसके उलट करना है। यही मोदी की ब्रांडिंग है कि जो कहो उसके उलट करो। जीएसटी का विरोध किया, जीएसटी लाए। आधार कार्ड का विरोध किया, आधार कार्ड लाए। एफडीआई का विरोध किया, एफडीआई लाए। और एफडीआई अब तो 49% से 74% जो वो है सुरक्षा व्यवस्था है, जो हमारे रक्षा क्षेत्र है, उसमें भी 74% कर दी गई है। यहां तक कि जो प्राइवेट के लिए खोला जा रहा है, जो हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र है और जो रक्षा क्षेत्र है और जो हमारा एटॉमिक क्षेत्र है, सारा के सारा प्राइवेट के लिए खोला जा रहा, सब कुछ निजी हाथों में दे दिया। यही है ना, इसी सब की जो विरोध करते थे मोदी जी, जिस चीज का इस व्यक्ति ने विरोध किया उसी चीज को इसने किया। ये मोदी की एक हकीकत है कि जिस चीज को आप समझ लीजिए कि वो मना कर रहा है कि ये नहीं करना, समझ लीजिए उसे जरूर करेगा। सरकार ने देश को बर्बादी की तरफ जो झोंक दिया है, हम सब लोगों को तैयार रहना है, और इसके बाद में जबरदस्त आंदोलन इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारी पार्टी पूरे देश में ये करेगी। और सारे ही वॉलंटियर, सारे और जो साथी हैं, जो पूरे देश में हम जुड़ चुके हैं साथी, सभी साथियों को मेरा ये संदेश है, तैयार रहें, पूरी मजबूती के साथ तैयार रहें, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के आवाम को बचाने के लिए, गरीब मजदूर और किसान को बचाने के लिए इस देश में जबरदस्त आंदोलन की जरूरत है। वो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन, एक जन आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। सब लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, और लगातार जैसे ये खत्म होगा हम उसके लिए काम शुरू करेंगे।